यह है द लास्ट ऑफ अस का पार्ट 4 जिसमें हम एपिसोड 5 6 एंड 7 को देखेंगे। इस टीवी सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पर बनी हुई है, तो अगर नहीं देखा है तो उन्हें देख लेना। अभी तक हमने देखा कि किस तरह जोल और एली बिल और फ्रैंक के यहाँ से गन्स लेकर और ट्रक में बैठकर ये लोग व्योमिंग टावर की ओर निकल चुके हैं, जहाँ जोल को उसका भाई टॉमी मिल सकता है जो कि एक्स फायरफ्लाइज भी था, जो उन्हें एली को फायरफ्लाइज के लैब तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। लेकिन जंगल को पार करते हुए रास्ते में इन्हें कैंसर सिटी मिलती है, जहाँ ये स्टे करने का डिसाइड करते हैं। इस बीच इन्हें कुछ लोगों की जान लेनी पड़ती है और एली एंड जोल की बॉन्डिंग काफी अच्छी भी हो जाती है। कैंसर सिटी की लीडर कैथलीन अब इनकी तलाश में है, जो कि जानना चाहती है आखिर किसने रेडर्स को मारा है, मतलब कि इनके ग्रुप के लोगों को। रात में जब दोनों एक बिल्डिंग में सो रहे होते हैं, तभी जोल पूरी तरह से इंश्योर करता है कि कोई भी वहां तक ना पहुंच पाए, और अगर कोई आए तो आवाज से वो जाग जाए। लेकिन इसके बावजूद इनके कमरे में हेनरी एंड सैम आ जाते हैं, जो कि दोनों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं, और हम समझ पाते हैं कि जोल एक कान से बहरा भी है। इस वजह से रात में करवट लेने के कारण उसे कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अब एपिसोड 5 शुरू होती है और इसकी स्टोरी मेनली हेनरी एंड सैम पर फोकस करती है। हमें फ्लैशबैक में कैंसर सिटी की स्टोरी दिखाई जाती है कि आखिर यहाँ क्या कुछ हुआ था। कैंसर सिटी में रेबल्स ने फेडरा गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर दिया, और इसके बाद कैथलीन और उसकी टीम कोलैबोरेटर्स को ढूंढने लगे जो फेडरा को इन्फॉर्मेशन पास करते थे। कैथलीन उसको बोलती है कि अगर उन कोलैबोरेटर्स में से किसी ने सरेंडर कर दिया और सब कुछ बता दिया तो उनकी क्राइम की सजा कम कर दी जाएगी। फिर हमें हेनरी और सैम दिखाए जाते हैं, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फिलहाल इस एपिसोड में होने वाले हैं। बता दूं, गेम में सैम का कैरेक्टर सिर्फ गुंगा होता है, पर सीरीज वालों ने इसे बहरा ही बना दिया। अब कैथलीन एक कैमरे में पकड़े हुए कोलैबोरेटर से पूछताछ करती है। वो कहती है कि अगर वो हेनरी की लोकेशन बता देंगे तो उनकी पनिशमेंट कम हो जाएगी। तो जिसके बाद एक कोलैबोरेटर हेनरी की लोकेशन बता देता है कि हेनरी डॉक्टर एडलस्टाइन के साथ मिलकर अपना बचाव कर रहा है, और हेनरी सिटी में ही कहीं ऐसे बेस में है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। इसके बाद ही कैथलीन अपनी बात से पलट जाती है और सारे कोलैबोरेटर्स को मरवाकर जला देती है। इसके तुरंत बाद ही कैथलीन पूरे सिटी में हेनरी को ढूंढने लग जाती है। कैथलीन का गुस्सा सातवें आसमान पर है, क्योंकि उसका भाई हेनरी के कारण मारा जा चुका है। तो वो उसके गार्ड पेरी को हेनरी और सैम को पकड़कर मारने का ऑर्डर देती है और कहती है कि इसके अलावा उनकी कोई और प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर एडलस्टाइन हेनरी और सैम को छिपाकर उनके डिसाइड किए हुए सीक्रेट बेस में चले जाते हैं। खाने की कमी के कारण वो टेम्पररीली उस सेफ हाउस में रहने का प्लान बनाते हैं। डॉक्टर एडलस्टाइन हेनरी को बताते हैं कि उसे एक स्ट्रांग पर्सन की तरह बने रहना होगा, ताकि सैम को ये ना लगे कि कोई होप बची नहीं है। इसके बाद ही हेनरी सैम को एक सुपर हीरो आइडेंटिटी का लुक देता है। इसके 10 मिनट बाद स्टोरी प्रेजेंट टाइमलाइन में आती है। अभी हेनरी और सैम का राशन खत्म हो चुका था और डॉक्टर एडलस्टाइन भी गायब थे। सैम को समझाने के लिए हेनरी बोलता है कि हो सकता है कैथलीन और उसकी आर्मी ने डॉक्टर एडलस्टाइन को पकड़ लिया हो और शायद मार भी दिया हो। एंड हम जानते हैं कि पिछले एपिसोड में ही कैथलीन ने वाकई में एडलस्टाइन को मार भी दिया था। हेनरी पिछले 10 दिनों से कैथलीन की आर्मी पर नजर रखे हुए है। वो ये समझ रहा है कि वो कब चेकिंग के लिए आते हैं और उन लोगों के आने जाने का पैटर्न क्या है, जिसके वजह से वो सेफली दूसरे सेफ हाउस में शिफ्ट करने का प्लान बना रहे थे। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी दिक्कत खाने की हो रही थी, क्योंकि खाना खत्म हो रहा था। इसके बाद हेनरी को गाड़ी क्रैश होने और गोली चलने की आवाज आती है, और तभी वो जोल और एली की फाइट देखता है, जिससे वो काफी इम्प्रेस था। और हेनरी का प्लान उसके साथ मिलकर अब सिटी से बाहर निकलने का था, क्योंकि जोल और एली काफी टफ है और वो भी इसी सिटी में उनकी तरह वॉन्टेड भी है। इसके बाद हेनरी जोल और एली को अपनी कहानी सुनाता है और दोनों एक दूसरे को समझकर साथ में बैठते हैं और खाना खाते हैं। फिर हेनरी बताता है कि वो कैंसर सिटी का मोस्ट वांटेड पर्सन है और बताता है कि कैथलीन के लोगों की मारने की लिस्ट में जोल और एली भी शामिल हैं। हेनरी जोल से डील बनाता है कि जोल के फायर पावर के बदले वो उनको सिटी से निकलने में मदद करेगा। सुबह हेनरी बताता है कि वो एक कोलैबोरेटर है और उसने कुछ लोगों को फंसाया भी है। इस पर जोल थोड़ा गुस्सा हो जाता है कि आखिर वो धोखेबाज के साथ क्यों रहे, लेकिन हेनरी के एक्सप्लेनेशन से वो सिचुएशन समझ जाता है। इस टाइम तक सैम और एली भी काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। हेनरी प्लान डिस्कस करता है कि वो लोग मेंटेनेंस टनल से बाहर निकलेंगे, लेकिन इन्हीं टनल्स में फेडरा ने कुछ इन्फेक्टेड्स को भी सील कर दिया था। लेकिन हेनरी बोलता है कि उसको एक फेडरा सोल्जर ने यह भी बताया है कि फेडरा ने उन इन्फेक्टेड्स को दूसरी जगह पर अब तक शिफ्ट कर दिया है, लेकिन ये खबर कितनी पक्की है इसके बारे में उसे कोई भी आइडिया नहीं है। अब फिर क्या, इसके बाद ये टीम टनल में चली जाती है और हेनरी की इन्फॉर्मेशन पक्की निकली, मतलब कि यहाँ पर टनल में इन्फेक्टेड उन्हें नहीं मिलते हैं, और आगे जाकर उन्हें कुछ स्कूल जैसा ही अपार्टमेंट मिलता है। अपार्टमेंट को देख ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ सर्वाइवर्स बचे हुए थे, जो कि एक एक करके इन्फेक्टेड बन गए, क्योंकि उन्होंने रूल्स नहीं फॉलो किया था। यहाँ पर एली और सैम के बीच में दोस्ती और बढ़ जाती है, क्योंकि दोनों काइंड ऑफ सेम एज के ही होते हैं,
और उन्हें एक कॉमिक बुक डिस्कवर की होती है जो कि एली को भी काफी पसंद थी। उसका नाम था स्टार लाइट। वैसे बचपन में मैं भी कॉमिक बुक काफी पसंद करता था और मुझे पंचतंत्र बहुत पसंद थी। क्या आप लोग को पता है पंचतंत्र क्या थी? अगर हाँ तो कमेंट करके बता देना। यहाँ पर हेनरी अपने धोखे का असली रीजन बताता है। वो बोलता है कि कैथलीन का भाई रेबल्स का बड़ा लीडर है। सारे रेबल्स उसको रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन एक दिन उसे पता चलता है कि सैम को ल्यूकेमिया है और सारी दवाइयां फेड्रा के कब्जे में थी और एक बच्चे को बचाने के लिए वो दवाई नहीं देते। इसलिए हेनरी ने मजबूरी में डील करी कि वो रेबल्स के लीडर माइकल के बदले दवाई लेगा। बस इसी के बाद कैथलीन और उसकी टीम उसे और उसके भाई को ढूंढ रही है, क्योंकि उसके कारण ही कैथलीन का भाई माइकल मारा जा चुका है। अब जोल इस पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता और सबको आगे बढ़ने को कहता है। अगले सीन में कैथलीन अपने घर पर अपने भाई की याद में दुखी होती है और पैरी को बताती है कि उसके भाई माइकल ने मरने से पहले बोला था कि हेनरी को माफ कर दे। इसके ऊपर पैरी बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है मैडम जी, इस टाइम पर उन्हें कैथलीन जैसी हार्ड डिसीजन लेने वाली बंदी चाहिए। माइकल नेक दिल था इसलिए मारा गया और उसने कुछ भी नहीं किया। अब हेनरी को मारना ही कैथलीन का मेन गोल बन चुका है। यहाँ पर हेनरी और जूल टनल से शहर से बाहर चल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मत से वहां पर एक घर में एक स्नाइपर होता है। जूल उस स्नाइपर को मार देता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और स्नाइपर ने उनकी खबर कैथलीन को भी दे दी थी। इसके बाद जो होने वाला है वो काफी जबरदस्त रहेगा, तो वीडियो में बने रहना। इसके बाद कैथलीन भी वहां आ जाती है, जिसके बाद जोल स्नाइपर की पोजीशन लेकर कैथलीन की एक ट्रक ड्राइवर को मार देता है और वो ट्रक सीधा एक घर में जाकर एक्सप्लोड हो जाती है। लेकिन कैथलीन बहुत जल्द पूरे एरिया को कब्जे में भी ले लेती है और जोल जिस बिल्डिंग में होता है उसमें अपने लोगों को भेजने लगती है। वो कहती है कि वो जोल एली और सैम हेनरी सबको मार देगी। इस पर हेनरी छिपने की जगह वहां से बाहर आकर कहता है कि वो सैम को जाने दे दे, मतलब कि बच्चों को छोड़ दे। लेकिन कैथलीन कहती है कि सैम की वजह से ही माइकल मारा गया था और वो उसे भी नहीं छोड़ेगी। मतलब यहाँ पे डायलॉगबाजी चल रही है। लेकिन इसी बीच वो ट्रक उस घर के नीचे एक होल में चला जाता है और सबका ध्यान उसी होल में चला जाता है। और यहाँ सबसे बेस्ट सीन देखने को मिलता है, क्योंकि इस होल से एक इन्फेक्टेड का झुंड बाहर आता है जिसमें एक ब्लॉटर भी होता है। अब ब्लॉटर को मारना कितना डिफिकल्ट है ये आपको हमारी एमबी वाली वीडियो से पता चली गया होगा। अगर मंदबुद्धि की वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सब इधर उधर भागने लगते हैं और वो ब्लॉटर कैथलीन और पैरी की तरफ आने लगता है। पैरी कैथलीन को जाने के लिए कहता है कि दीदी आप जाओ हम संभाल लेंगे, और खुद ब्लॉटर से लड़ने चला जाता है। लेकिन उसे क्या पता था कि ब्लॉटर तुरंत पैरी को चेरी बनाकर डकार जाता है। एली अब कार में छिप जाती है और हेनरी और सैम एक कार के नीचे छिप जाते हैं। एली की कार में एक इन्फेक्टेड बच्ची आ जाती है। जोल अपनी स्नाइपर से एली को बचा लेता है, लेकिन ये छोटी सी इन्फेक्टेड बच्ची सबूत थी कि द लास्ट ऑफ अस की फंगस एजिंग रोक सकती है, क्योंकि हेनरी ने कहा था कि वो इन्फेक्टेड 15 साल तक वहां बंद थे। इसके बाद हेनरी सैम और एली अपनी जगह से उस घर की तरफ भागने लगते हैं जिसमें जोल है, लेकिन कैथलीन उनको गन पॉइंट पर ले लेते हैं और तभी कैथलीन के पीछे वही बच्ची आकर इन्फेक्ट कर देती है। मतलब दीदी जी को कौन ही बताया कि डायलॉग बाजी और गन पॉइंट पर नहीं लिया जाता है, सीधा शूट किया जाता है। खैर मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ ऐसे सिचुएशन पर मैं भी नहीं कर पाऊंगा। खैर हेनरी और एली और सैम इस चांस को वेस्ट नहीं जाने देते और सक्सेसफुली वहां से भाग जाते हैं। फिर ये चारों एक तरफ होटल में रुकते हैं और जोल हेनरी से कहता है कि क्या वो उनके साथ व्योमिंग आ सकता है। दूसरे रूम में एली और सैम एक कॉमिक बुक पढ़ते हैं, लेकिन तभी सैम एक बुरी खबर देता है कि उसको भी एक इन्फेक्टेड ने पैर पर काट लिया था। इसकी वजह से एली इमोशनल होकर अपनी इम्यूनिटी एक्सपोज कर देती है। वो अपना थोड़ा सा ब्लड निकालकर उसके जख्मों पर लगा देती है, ये सोचकर कि शायद वो ठीक हो जाए। लेकिन सुबह सैम इन्फेक्टेड हो चुका था और एली पर अटैक कर देता है। जोल एली को बचाने के लिए गन पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन हेनरी जोल को गन पॉइंट पर ले लेता है। और इससे पहले कि हम जान पाते कि आगे क्या कुछ होगा, एपिसोड 5 यहीं खत्म हो जाती है। अब एपिसोड 6 शुरू होती है और कहानी वहीं पर थी कि हेनरी ने जोल को गन पॉइंट पर ले लिया है, लेकिन अल्टीमेटली वो सैम को शूट कर देता है और साथ में दुखी होकर हेनरी अपने आप को भी मार लेता है। ये सीन काफी ट्रेजिक होता है, जिसके बाद एली और जोल दोनों भाइयों को वहां पर प्रॉपरली बरी करके अपने सफर पर आगे निकल जाते हैं। अब स्टोरी 3 मंथ्स बाद शिफ्ट होती है, जहां जोल और एली एक ओल्ड कपल मर्लिन और फ्लोरेंस के वुड कैबिन में पहुंचते हैं। जोल मर्लिन को गन पॉइंट पर लेकर उससे वेस्ट में व्योमिंग का रास्ता पूछता है। यहाँ वो दोनों एक्चुअली में रास्ता भटक चुके थे, तो मर्लिन उन्हें रास्ता बताता है, लेकिन कहता है कि वेस्ट में जाने से पहले उन्हें रिवर ऑफ डेथ को क्रॉस करना होगा। वो कहता है कि उसे और फ्लोरेंस दोनों को नदी के किनारे ढेर सारी डेड बॉडीज मिलती थी, इसलिए उन्हें लगता था कि वहां कुछ डेंजरस है। इसके तुरंत बाद जोल और एली केबिन से बाहर चले जाते हैं और बाहर जोल को एक हल्का सा पैनिक अटैक आता है। इसके बाद वो दोनों रात में एक कैंप बनाते हैं और एली जोल से पूछता है कि अगर फायरफ्लाइज एली के खून से वैक्सीन बनाने में कामयाब हो गए तो वो क्या करेगा। जोल एली को ताना मारते हुए कहता है कि वो भेड़ बकरी पालेगा, क्योंकि वो कम से कम उसकी बातों को सुनेंगे और फॉलो करेंगे, जो कि एली बिल्कुल भी नहीं करती। एली ने जोल को सैम के साथ हुए इंसिडेंट को भी बताया
जोल इस पर एली को ब्रूटल रियलिटी बताता है कि वैक्सीन ऐसी नहीं बनाई जा सकती और इसका प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है और ये एक हिंट है जो आगे आने वाला है। जितने भी गेमर्स है इस बात को जानते हैं कि यहाँ किस चीज की बात हो रही है, तो बस तैयार हो जाओ, वो सीन जल्दी होगा। खैर, सुबह जोल उठता है और देखता है कि एली गार्ड कर रही है। इसके ऊपर जोल एली के साथ ये बात क्लियर कर देता है कि आगे से अगर जोल सो जाता है तो वो उसे जगा दे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि इनकी अटैचमेंट काफी बढ़ चुकी है और फादर डॉटर जैसी रिलेशनशिप इनकी बन चुकी है। इसके बाद वो आगे बढ़ते हैं और रिवर ऑफ डेथ को देखते हैं और आगे जाके उन्हें एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट मिलता है। वो वहां से दूर जाते हैं और उन्हें एक घुड़सवार गैंग घेर लेती है। वो गैंग जोल और एली का इन्फेक्शन पता लगाने के लिए उनके ऊपर एक ट्रेन्ड डॉग को छोड़ देती है। वो दोनों सेफ होते हैं और गैंग के लीडर जोल से पूछते हैं कि वो इस एरिया में क्या कर रहा है। जोल कहता है कि वो अपने भाई टॉमी को ढूंढ रहा है और फिर दोनों गैंग लीडर के साथ उस कैंप जैक्सन टाउन में चले जाते हैं। ये टाउन बहुत पीसफुल था और वहाँ क्रिसमस सेलिब्रेशन चल रहा था। यहाँ पर जोल टॉमी से मिलता है और दोनों हगते हैं, हग करते हैं। ये सीन काफी इमोशनल होता है क्योंकि ये दोनों काफी वक्त बाद मिल रहे थे। इसके बाद वहाँ की लीडर मारिया जोल को पास की एक कैंटीन में ले जाती है। जोल और एली सालों बाद इतनी अच्छी क्वालिटी का खाना खाते हैं और वो दोनों दबा कर खाते हैं। इसके बाद जोल टॉमी से एक प्राइवेट डिस्कशन को कहता है। टॉमी कहता है कि वो भरोसा कर सकता है और सारी बातें मारिया के सामने बता सकता है। तभी टॉमी जोल को तगड़ा सरप्राइज देता है और रिवील करता है कि उसने मारिया से शादी कर ली है और मारिया भी उसकी अब एक फैमिली है। जोल शॉक में चला जाता है और आधा अधूरा कॉन्वर्सेशन देता है। यहाँ पर वो थोड़ा जज्बाती हो रहा है और क्योंकि जोल ने अपनी लाइफ को कंटिन्यू नहीं किया और उसकी वाइफ या गर्लफ्रेंड टेस मारी जा चुकी है, तो वो थोड़ा सा दुखी भी है। इसके बाद जोल क्रू टाउन का टूर करते हैं और ये रिवील होता है कि ये टाउन 7 साल पहले मारिया और उसकी गैंग को मिला था, जिसके बाद ये लोग यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिटी बनाकर रह रहे हैं और टाउन की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 300 है। जितने सब्सक्राइबर्स अगर इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर दे तो हम 2000 सब्सक्राइबर्स पार कर देंगे। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कभी कर दो और अपने दोस्तों को भी शेयर करो अगर उन्हें मूवीज देखने में कोई भी दिलचस्पी है। खैर, जैक्सन टाउन में कम्युनलिज्म चलता है। कोई पूरी तरह से लीडर नहीं है लेकिन मारिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होने के कारण वो यहाँ पर ज्यादातर चीजें संभालती है। उन्होंने पास की एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट का सुधार कर बिजली का बंदोबस्त कर लिया है। वो लोग नहीं चाहते थे कि इस कम्युनिटी के लोगों को पता चले, इसलिए टॉमी ने जोल को मैसेज को बंद कर दिया था। जोल इस बात से खुश नहीं था और एली अपनी ही धुन में मस्त थी। टूर के खत्म होने के बाद जोल और टॉमी एक बार में जाते हैं। जोल टेस की खबर उसे डिस्क्लोज नहीं करता और बोलता है कि वो बस पैसों के लिए एली को फायरफ्लाइज को देने वाला है। टॉमी कहता है कि पॉसिबली फायरफ्लाइज का अड्डा कोलोराडो यूनिवर्सिटी में है और एक घोड़े के सहारे वो सिर्फ एक हफ्ते में आसानी से वहां पहुंच सकते हैं, लेकिन रास्ते में इन्फेक्टेड के झुंड और रेडर्स भी मिलेंगे जिनका सामना उसे करना होगा। जोल टॉमी से कहता है कि वो भी उसके साथ चले, लेकिन टॉमी कहता है कि मारिया प्रेग्नेंट है इसलिए वो कहीं भी नहीं जा सकता। ये बात सुनकर जोल थोड़ा गुस्से में आ जाता है और टॉमी को खड़ी खोटी सुना देता है। टॉमी कहता है कि अगर जोल पास्ट में अटका है इसका मतलब ये नहीं कि टॉमी भी अटका रहेगा। जोल मान जाता है और कहता है कि वो अगली सुबह एली को लेकर वहां से चला जाएगा और बार से बाहर चला जाता है। बाहर उसे एक घुंघरेले बाल वाली लड़की दिखती है जिसकी वजह से उसे अपनी बेटी सैरा की याद आने लगती है और फिर से उसे पैनिक अटैक आता है। वहीं दूसरी तरफ एली नहा धोकर मारिया से मिलने चली जाती है। मारिया उसे एक नया हेयर कट देना चाहती है। वो बताती है कि आउटब्रेक से पहले वो एक असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी थी। ये शायद असिस्टेंट डीएम जैसी ही कोई पोस्ट होगी अमेरिका में, मुझे नहीं पता, आपको पता है तो कमेंट कर देना। तभी एली को ये भी पता चलता है कि मारिया अपने बेटे केविन और जोल अपनी बेटी सारा को खो चुका है और एली को समझ में आता है कि जोल उसके अराउंड अजीब सी हरकतें क्यों करता है। मारिया बोलती है कि जोल कोई अच्छा आदमी नहीं है लेकिन एली को बचाने के लिए वो कुछ भी करेगा। वहीं दूसरी तरफ जोल और टॉमी वापस एक दूसरे से मिलते हैं। टॉमी जोल के लिए एक नया बूट देता है और माफी मांगता है कि शायद उसने गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिया। जोल यहाँ पर सब रिवील कर देता है कि टेस की डेथ हो चुकी है और एली पूरी तरह से इन्फेक्शन से इम्यून है और एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाना टेस की लास्ट विश थी। जोल अपने और एली को इमोशनल कनेक्शन को समझाता है और टॉमी से फिर एक बार रिक्वेस्ट करता है कि वो एली को फायरफ्लाइज तक पहुंचाने में उसकी हेल्प करे। टॉमी थोड़ा हिचकिचाने के बाद जोल की रिक्वेस्ट को मान जाता है। घर पहुंचने पर पता चलता है कि एली ने सारी बातें सुन ली थी और उसे जोल और सारा के बारे में पता चल चुका था। एली कहती है कि ना ही वो उसकी बेटी है और ना ही वो उसका बाप, इसलिए सही रहे कि जोल अपने इमोशंस को कंट्रोल करे और अपने इमोशन को साइड में फेंक दे। एली ने भी कई लोगों को खोया है और कई लोग उसे एंड मौके पर छोड़कर चले गए, जैसे कि जोल एली को टॉमी के सहारे छोड़कर जाने वाला है। इसको देखकर जोल भी थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि अगली सुबह वो और एली अपने अलग अलग रास्ते चले जाएंगे। अगली सुबह टॉमी और एली अस्तबल में जाते हैं। वहां पर जोल पहले से होता है। वो कहता है कि पहले तो वो घोड़े चुराने आया था लेकिन अब उसने सोचा है कि एली को डिसाइड करना चाहिए कि वो किसके साथ जाना चाहती है। एली ने तुरंत जोल को चूज किया और वो दोनों तुरंत ही यूनिवर्सिटी के रास्ते पर चल पड़े। जोल को जाता देख टॉमी ने अपनी राइफल जोल को दे दी और ये भरोसा दिलाया कि वो जब चाहे तब जैक्सन टाउन में आ सकता है।
रास्ते में जोल और एली में और ज्यादा बॉन्डिंग होती है और जोल एली को राइफल चलाना भी सिखाता है। यूनिवर्सिटी पहुंचने पर उन्हें पता चलता है कि फायर फ्लाइज सॉल्ट लेक सिटी शिफ्ट हो गए हैं। अब बाहर रेडर आ जाते हैं और जोल उनमें से एक को मार देता है, लेकिन मारने से पहले वो रेडर जोल को चाकू मार चुका था। जोल और एली वहां से घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं और अपने वुंड्स की वजह से जोल रास्ते में ही बेहोश हो जाता है और एपिसोड 6 यहीं खत्म हो जाती है। द लास्ट ऑफ अस एपिसोड 7 अब यहां से शुरू होती है और यहां पर एली कैसे इम्यून बनी इसकी भी स्टोरी हमें जानने को मिलेगी। एली जोल को पास के एक घर में ले जाती है जहां पर एली खून को रोकने के लिए घाव के ऊपर जैकेट रख देती है। खून बहने की वजह से जोल की मौत भी हो सकती थी, तभी स्टोरी फ्लैशबैक में चली जाती है। फेडरा स्कूल में एली वॉकमैन लगाकर कुछ सुन रही थी, तभी बेथिनी नाम की एक बुली उससे उसका वॉकमैन छीन लेती है। वहां पर वो बुली कहती है कि एली के दोस्त के जाने के बाद उसको बचाने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि एली की दोस्त एक पावरफुल फाइटर थी। यहाँ पर बात रिले की हो रही है, इसकी कहानी भी हम आगे जानेंगे। इसके बाद एली बुली को एक जोर से पंच मारती है, तुरंत ही उसे कैप्टन कॉम से ऑफिस बुलावा आ जाता है। कॉम समझाता है कि एली के पास दो चॉइसेस हैं, या तो वो ऐसे ही रहकर आगे जाकर एक नॉर्मल सिविलियन बन जाए और फेडरा के नीचे रहकर काम करे, या फिर अपने गुस्से को कंट्रोल में करके फेडरा की एक बड़ी ऑफिसर बन जाए और फिर कोई भी उसे बुली नहीं करेगा। कॉम समझाता है कि सिर्फ फेडरा की वजह से ही क्वारंटीन जोन में शांति है। एली बात को समझ जाती है और ऑप्शन 2 को चुनती है। इसके बाद सीन रात में शिफ्ट होती है और एली सो जाती है। रात को 2 बजे एली की रूम में एक लड़की घुसती है। नींद खुलते ही एली झट से उस लड़की को नीचे गिरा देती है। एली देखती है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी पुरानी रूममेट और दोस्त रीले है, पर रीले 3 हफ्तों से गायब थी। तो रीले बताती है कि स्कूल से बाहर निकलते ही उसने फायरफ्लाई रिवॉल्यूशनरी ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। एली इस बात पर नाराज भी थी, लेकिन रीले एली को इनवाइट करती कि वो उसके साथ बाहर घूमने चले। यहाँ पर बता दूं कि बाहर जाने पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पता चलेगी कि आखिर एली इम्यून कैसे हुई थी, और साथ ही अब स्टोरी एली और रीले पर फोकस करती है। खैर, ये दोनों बाहर फेडरा ऑफिशियल से छिपकर एक सुनसान बिल्डिंग में चले जाते हैं। इन्हें रास्ते में एक डेड बॉडी भी मिलती है, जिसको इन्वेस्टिगेट करने में पता चलता है कि उस आदमी ने अल्कोहल के साथ नींद की गोली खा ली थी और सुसाइड कर लिया। एली अपने सामने पड़ी डेड बॉडी को इग्नोर कर देती है और उस डेड बॉडी के पास पड़ी दारू की बोतल उठाकर मजे करने लगती है। दोनों फिर आगे बढ़ते और बातें करने लगते हैं। रीले बताती है कि जब एली अपनी एक पनिशमेंट काट रही थी, तभी रीले को एक फायरफ्लाइज मेंबर ने देख लिया था, और रीले को पहले से ही फेडरा नहीं पसंद थी, तो रीले ने फायरफ्लाई ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। फायरफ्लाइज के मेंबर ने उसे एक गन भी दी, जो रीले ने एली को दिखाई। इसके बाद वो दोनों बिल्डिंग्स पर कूदते हुए अपने गोल्स पर पहुंचते हैं। एली और रीले में फिर से बहस होती है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा एविल है। अब उन्हें कौन बताया कि सबसे ज्यादा एविल तो अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन है। लेकिन फिर रीले एली को पास का एक मॉल दिखाती है, लिबर्टी गार्डन मॉल, जो इन्फेक्टर से भरा होने के कारण फेडरा ने सील कर दिया था। रीले ने लेकिन एली को दिखाया कि अब ये मॉल सील नहीं है। वो लोग मॉल की लाइट चालू करते हैं और मस्ती करना चालू कर देते हैं। यहाँ पर मस्ती में फिर वही फेडरा वर्सेस फायरफ्लाइज की बहस छिड़ जाती है और रीले बताते हैं कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कॉम रीले को नाले साफ करवाने में लगाने वाला था, इसलिए वो फेडरा से भाग गई। वो दोनों एक वीडियो गेम बूथ में जाते हैं और वीडियो गेम में मस्ती करने लगते हैं। वीडियो गेम की आवाज सुनकर पास का ही एक इन्फेक्टेड जाग जाता है। रीले अब एली को कुछ सरप्राइज देना चाह रही थी, लेकिन एली बताती है कि उसे सुबह होने से पहले स्कूल जाना होगा। रीले लेकिन फिर भी एली को वो चीज दिखाने ले जाती है और वो होती है मनबुद्धि पालक की न्यू ज़ॉम्बी ड्रग वाली वीडियो। लेकिन उस जगह पर कुछ बॉम्ब भी थे, जिसे देखकर एली का मूड तुरंत खराब हो जाता है। वो समझ जाती कि ये रीले का आउटपोस्ट है जो फायरफ्लाइज ने चुना था। एली इस वजह से गुस्से में वापस जाने लगती है। रीले इस मॉल में एली को लाने के बहाने फायरफ्लाइज मेंबर के साथ भर्ती करना चाहती थी, लेकिन रीले की ट्रेनर ने साफ मना कर दिया था। रीले उसी बात से बॉस्टन छोड़कर जाने वाली थी। अब एली मॉल से बाहर चली जाती है, लेकिन उसे किसी चीज के चीखने की आवाज सुनाई देती है और वो भागकर अंदर आती है। वो देखती है कि यह आवाज एक हैलोवीन डेकोरेशन से आ रही थी, जो कि रीले का आखिरी सरप्राइज था। एली कहती है कि वो वापस जोक्स की बुक लाने आई थी। रीले अपनी स्टोरी बताती है कि जब से उसने अपने पेरेंट्स को खोया था, तब से उसे एक फैमिली चाहिए थी और फायरफ्लाइज ने रीले की इस कमी को पूरा कर दिया था। वो दोनों सोचते हैं कि ये रात रीले की बॉस्टन में आखिरी रात थी, इसलिए वो दोनों गुस्सा छोड़कर मजे करने लगते हैं और रीले वहां पर रखे एक स्पीकर को कनेक्ट करके गाना लगा देती है। ये दोनों खुशी से नाचने लगते हैं, लेकिन ये खुशी ज्यादा वक्त की नहीं थी और एली रीले को पप्पी दे देती है, वो भी फुल फीलिंग में, और रीले के बॉस्टन में रुकने के लिए मना लेती है। लेकिन तभी गाने की आवाज सुनकर वो इन्फेक्टेड यहाँ आ जाता है और एली और रीले पर अटैक कर देता है। एली तुरंत ही अपने स्विच ब्लेड से इन्फेक्टेड को मार देती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों को ही उस इन्फेक्टेड ने इन्फेक्ट कर दिया था। एली ये देखकर अपना आपा खो देती है और तोड़फोड़ करने लग जाती है, लेकिन वो भी क्या ही कर सकती थी, इसलिए थोड़ी देर बाद वो शांत हो जाती है। वो दोनों साथ में बैठते हैं और सुसाइड करने की सोचते हैं, लेकिन वो दोनों डिसाइड करते हैं कि मरने से पहले वो दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताएंगे और रोने लगते हैं। अब स्टोरी वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है। एली कुछ सुई धागा लेकर जोल को सिलने लगती है, मतलब कि टाका लगाने लगती है।
जोल अपने डिसीजंस को रिग्रेट करता है कि उसे टॉमी को एली के साथ ही छोड़ना चाहिए था, लेकिन एली इस बात से क्लियर कर देती कि वो सिर्फ और सिर्फ जोल के साथ ही रहेगी। जोल भी मान जाता है और एली को अपने घाव सिलने देता है और एपिसोड 7 यहां खत्म हो जाती है। अब आगे जो भी होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा और मैं एपिसोड 8 के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि जल्द ही उसमें एक बहुत ही भयंकर वॉर भी देखने को मिलने वाली है और जोल का एक न्यू लुक भी हमें दिखेगा। बाय।